आगे जस्ट फिनिश माई योगा, आई थिंक कल से मैं अपने घर में ही करूँगी योगा, बिकॉज इमरान गोइंग टू थाईलैंड, ये बेबी आई डोंट नो, आई थिंक ही इज। एनीवेज मैं क्या कह रही हूँ कि विक्की वाज सेइंग कि आप इतने महीनों से यानी 2 साल से पोस्ट मैरिज यू डिड नॉट बी यू वर नॉट सीन इन एनी इवेंट्स पार्टीज अपीयरेंसेस। एक्सक्यूज मी, अगर कोई उस हिसाब से बुलाएगा नहीं, इनवाइट नहीं करेगा तो हम क्यों जाएंगे? हम वेले थोड़ा, आई हैव टू मेक माय मैरिज वर्क, नो आई डोंट हैव टू डू ऑल दैट फ्री फंड का अपीयरेंसेस एंड एवरीथिंग। एंड माय हस्बैंड इज अ रेसलर, ही इज बिजी फिगरिंग आउट हाउ टू अर्न मनी, आई एम बिजी फिगरिंग आउट हाउ टू सपोर्ट हिम। हम दोनों की किटपिट तो चलती रहती है, दैट इज पब्लिक, बिकॉज आई एम ओनली अपलोडिंग दोज वीडियोस, इट्स नॉट एज इफ यू आर कमिंग एंड पुटिंग सम कैमरा ऑन माय बालकनी एंड यू नो शूटिंग द कंटेंट। आई एम ओनली अपलोडिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट certain changes to happen in my life, and my husband, if he's not able to understand, because he's a simple person and he's being brainwashed by his clan, then I have to figure out how to make him understand. Theek hai na? So Vicky was like, you are not seen in all these parties and this and that. Excuse me, I'm not a party person, nor is my husband. We don't drink, we don't smoke, we are, you know, into fitness and health. It's a different thing that even you disappeared post marriage, so it's okay, perfectly okay. God wanted me to kind of work it out, struggle it out, and figure out how to kind of establish 2 verticals for my business, me and my husband's business. Simple as that. Okay, got to go. Bye. Busy day. ना वो सुभाष जी को जरा हेल्प कर दो ना, टेरेस पे वो पॉट साफ कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ही गेस्ट आ रहे हैं, वो कर रहा है मगर वो पॉट्स को डाल भी रहा है, तो अगर तुम उनको हेल्प कर दोगे ना, आप रेसलर हो, आप ताकतवर हो, तो उनसे काम हो जाएगा, क्योंकि नहीं वो अकेले है ना, वो ओल्ड है, तो आप थोड़ा उठ के हेल्प कर दो ना। मैं क्यों हिलाऊं, जब आपसे और मेरे में आप रेसलर हो ना, एमएमए की ट्रेनिंग आप करने जा रहे हो, तो आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे? अरे बट वो उठा उठा के बड़े रख रहा है, तो तुम उसको हेल्प क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ अरे अपना टेरेस ठीक करना है, गेस्ट आ रहे हैं, एक आदमी अकेले कितना करेगा, वो ओल्ड है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारा लड़का अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। कैसे बात कर रहे हो? हाँ तो बड़े में उसको हेल्प कर दो ना। हाँ तो घर पे तो मैं बहुत काम करती हूँ, ये देखो मेरे हाथ, मेरे नाखून कैसे हो गए हैं, इतना काम कर करके मेरे में और कोई वर्कर में डिफरेंस नहीं रहा है। देखो मैं इतना काम करती हूँ और फिर सामने वाला मुझे टॉन्ट मारता है। कैन यू बीट इट, सो मच टॉन्ट, लुक एट माय हैंड्स, ऐसे हाथ होते हैं क्या? और ताकत वाली काम अगर मैं संग्राम को बोलूं हेल्प करने के लिए तो कर देना चाहिए ना, उसी के गेस्ट आते हैं, मेरे तो कम गेस्ट आते हैं बिकॉज मेरे तो दोस्त ही नहीं है क्या? नहीं मैंने आत्ममंथन नहीं किया, नहीं 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 मेरे पे अटैक मत करो, अपनी लकीर लंबी करो, आप एक रेसलर हैं। संग्राम तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने पावरफुल हो, हेल्प करो, है ना, तुम्हारा प्री वर्कआउट हो जाएगा। ये देखो इसके साथ लगाओ, अरे पर दो बड़े बड़े, ये भी दो बड़े बड़े आ जाएंगे ना यहाँ पे, तोड़ोगे पेड़ को, जो पेड़ को गर्म से नहीं मिलेगा घूमने का, तो फायदा क्या उसपे? बस हाँ तो सुभाष जी छोड़ो ना, भैया उठा देंगे। अरे यार आप हर रोज का काम है, बट आप भी तो एक रेसलर है ना। फाइनली संग्राम इज हेल्पिंग सुभाष जी, थिंग इज दैट आई लाइक इट व्हेन ओल्ड पीपल वर्क बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू बी बिजी, माय फादर आल्सो वर्क्स एट दिस एज, बट संग्राम नीड्स टू बी मोर एक्टिव। संग्राम का उठाने का, संग्राम उठा ही नहीं रहा है, देखो ये देखो संग्राम उठाता ही नहीं है।
क्योंकि मम्मी ने बोला है कि ग्रिल के ऊपर पेड़ चढ़ा दो, हाँ मनी प्लांट, और पूरा क्या प्राइवेसी भी हो जाएगा और अच्छा भी बारिश में क्या चढ़ जाएगा। सो दिस इज द टेबल दैट रहमान जी इज मेकिंग बिकॉज वो आयरन रॉड्स बच गई है, तो जो ग्रिल की आयरन रॉड्स थी वो अभी हम टेबल में यूज कर रहे हैं। सो ही सेइंग कि छोटी छोटी रॉड्स को यूज कर लेंगे एंड बड़ी वाली दो रॉड्स वो ले जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग फादर। ओके सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस ब्रांड का बड़ा टिन, या आई हैव ऑर्डर्ड दिस। सो इवन फॉर द ग्रिल वर्क आई हैव टू थैंक रहमान जी, जोसेफ जी एंड नयन जी बिकॉज दे रियली रियली हेल्प्ड मी। That's Joseph ji working, that's Naeem, and that's Rehman ji trying to block the water that's coming dip 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 dip. Yeah, aaj bhi hamare yahan guests aane wale hain to main pehle se hi, you know, mere jo kacche aloo ke parathe hain unko paka rahi hu because maine dekha hai ki kacche aloo ke parathe ko अगर तेल लगाए बिना फ्रीज करो तो वो टूटते हैं, तो अभी हम इसको तेल लगा रहे हैं और अभी हम इसे यूज़ ही करने वाले हैं क्योंकि द स्टाफ हैज़ मेड कच्चा आलू का पराठा। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ थोड़ा, देन गेस्ट विल कम, देन वी विल जस्ट फ्राई इट अगेन लिटिल बिट। तभी के तभी व्हेन 20 पीपल और 10 पीपल कम, यू कैन नॉट मेक यू नो गरम गरम एंड गिव एवरीबॉडी, सो यू हैव टू डू दिस बैक एंड वर्क। सुभाष जी आप अच्छे वाले हैंगिंग पेड़ लेके आए, वेरी गुड, मस्त है, मस्त है ना। आप पेटीएम लेते हो? नहीं नहीं ले आता नहीं, एटीएम बोलते हैं। हाँ। ये पर कैसे लग, पर उड़ेगा तो नहीं बारिश में? नहीं नहीं, नहीं। बांध के रखेगा ना, बांध के रखेगा। हाँ। हाँ। ये कौन सा वाला पेड़ है? मनी प्लांट। मनी प्लांट वो पूरा उस रेलिंग पे लगा था। भैया आपका पेटीएम नंबर है? नहीं नहीं इनका नहीं है, नहीं है? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं तो ये मोबाइल नंबर पे पेटीएम नहीं है, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ अभी। रहने दो, बाद में दे कैश दो। पर मैं अभी कर हाथों हाथ कर देती हूँ ऑनलाइन, तो कैश वाले तो भैया है, मैं ऑनलाइन वाली हूँ। हाँ नहीं, नहीं तो ये भी साथ में, ठीक है हा? ये भी साथ में, दोनों भी ले जाड़ जाओ, काम आए। हाँ इसको कचरे के लिए अपन यूज कर सकते हैं ना, ये उसमें डाल दो, इसमें डाल दो, ये डस्टबिन में, तो अपन यूज कर लेंगे। थैंक यू भैया, पानी पियोगे? नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। 7 मीटर पाइप लाया, कम पड़ेगा तो वो ज्वाइन करेगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। So we're doing a small media interaction because we want to talk about healthy hustle, and Sangram is going to Thailand under Gymnasio Fitness Center LLP because the sponsor has come for Gymnasio Fitness Center LLP. And healthy hustle, yes, we talk about it so that we can get some movement, some funding, angel investors or venture capitalists, as we need to open a central kitchen because the whole thing is from this house you can't do much of making food. Yeah, this is only to learn. To actually grow, I need to make a central kitchen for a healthy hustle.
जस्ट बींग ग्रेटफुल टू रहमान जी फॉर हेल्पिंग मी. इट्स नॉट अबाउट मनी समटाइम्स, बट द वे आई वॉज ट्रबल्ड बाई सो मैनी फैब्रिकेटर्स. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट रहमान जी एंड हिज टीम कुड हेल्प मी आउट विद माई वर्क. थैंक यू सो मच, रियली गॉड ब्लेस यू. सो नाउ एट लीस्ट वी हैव स्पेस टू कॉल पीपल, यू नो, गिव देम फूड, बी नाइस होस्ट, एंड स्लो एंड स्टडी वी विल सी व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन. Yeah, that's Joseph ji helping me serve. That's so kind of them. That's Joseph ji. Joseph ji was working on a Sunday also. Joseph ji, thank you. So it's not as if the Christians always take a holiday on a Sunday. They work also on a Sunday. देखो भैया, मैं तो वही टी शर्ट पहने घूम रहा हूँ. ये कंपनी जिम्नाजियो भी हमारी है, पीछे वाली भी हमारी है, स्वदेश प्रोडक्शन भी है हमारा, जिसमें संग्राम जी का गाना है. क्या और नेक्स्ट गाना हम दोनों को करना है, प्लीज संग्राम जी मुझे टास्क करना. और हम बहुत यंग बच्चों के साथ काम करता हूँ, जैसे मैंने भी 3 गाने शूट किए थे, 20-21 साल का लिखने वाला, 20-21 साल का गाने वाला, 20 साल का वो डायरेक्टर, और हमने बहुत कमाल का बनाया. और वो बच्चे को बहुत उनमें वो टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिलता, तो कोशिश तो सही है. हाँ, वो टैलेंट है, कितने अच्छे गाने गाए बच्चों. बॉक्स ले लो ना. हाय, गुड मॉर्निंग. सो यस्टरडे वी डिड सम काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज yeah, Sangram had to travel to Thailand and unhone bol ke rakha tha. So he called certain media people home and we did some chota mota press conference for our food startup, which was quite good, you know, interacting with everybody. Acha, main kya keh rahi hu ke hum jab Sangram Singh Foundation ke through beach clean up karne gaye the na, then we met, I met for the first time a PR or a stylist, Jatin ji. So Jatin ji was, you know, talking about giving donation for Wayanand and Himachal and all the flood related areas. You know, I understand all these people wanting us to help other people through Sangram Singh Charitable Foundation, but the whole thing is hamare Sangram Singh Charitable Foundation mein itne funds nahi hai jitne Sonu Sood ke charitable foundation mein hai, ya you know, government ke charitable foundation mein hai. So I would just request all of them that we would love to help people, but we need more funds in our charitable organization. I hope you understand, because Sangram ji itne acche insaan hai, he wants to help everybody. That is why he says ki, you know, ki main business nahi kar sakta, main business nahi kar sakta, because he knows ki when somebody will come and discuss money with him, he will not be able to talk it out. So to all the people who are interacting with Sangram for various reasons, I would like to tell you that Sangram Singh Charitable Foundation would love to help people, but we need more funding to come into it, because everything is transparent in the time of ATG. But we cannot be spending our personal money to help people, because we have to survive also na. Plane mein hum jaate hain to kya bolte hai log ke pehle khud ko mask pehnao fir bacche ko bhi pehnao, you know. So everybody else is our family and we really love them and we would want to help them, but first need to save ourselves. So yes, Sangram Singh Charitable Foundation se jitna ho sakta hai utna hum karenge, but प्लीज़ डोंट पुट प्रेशर ऑन माई हस्बैंड कि वयानंद को डोनेशन दो, हिमाचल को डोनेशन दो. डोंट डू दिस थिंग, बिकॉज आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत ने भी डोनेशन दी थी फ्लड रिलेटेड एरियाज़ में, आई थिंक अबाउट 1 CR और सो. सो बात डोनेशन की नहीं आती है, क्योंकि जब आप डोनेशन करते हो तो वो 1 CR आपने जो किया, वो 1 CR आपके अकाउंट से चला गया, आपके कंपनी के अकाउंट से चला गया. एंड आई थिंक ही वॉज डूइंग डोनेशन फ्रॉम हिज ओन अकाउंट, वॉज नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. तो बाद में अगर आपको काम थोड़ा लेट आता है या आपके फंड्स थोड़े लेट आते हैं, देन वॉट डू यू डू, यू नो, बिकॉज खर्चे तो चलते रहते हैं ना. सो वी कॉन्ट बी यूजिंग अ पर्सनल फंड्स टू काइंड ऑफ हेल्प फ्लड विक्टम्स. या थैंक्स, बाय, गुड मॉर्निंग. आई शुड बी शेयरिंग द फुटेज ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस इफ आई गेट इट. ओके, बाय. Parrot? Green parrot?
Awesome! Look at that! Two of them! Oh my god! Look at that! Look at the green part! Awesome! अभी ये जितने भी फ्लैट्स हैं इन सब ने अपनी बालकनी एक्सटेंड करी है, हमने भी हमारी बालकनी एक्सटेंड करी है। तो जितने भी फ्लैट्स में बालकनी एक्सटेंड करके कवरिंग करी जाती है वो बालकनी का FSI क्या रेजिडेंस खरीदते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉ, बिकॉज वो बालकनी है, बिकॉज वो बालकनी है। तो पर्ल हाइट्स में आई एम डूइंग योगा इन माय हाउस बिकॉज माय हस्बैंड हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, सो आई डोंट नीड टू गो टू दैट डर्टी हॉरिबल स्मेली स्टिंकी जिम। सो हमने भी हमारी बालकनी अंदर करी है एंड वी हैव लाइक डन दिस इन द हाउस। तो जितने भी फ्लैट्स हैं पूरी सोसाइटी के अंदर सबने अपनी बालकनी एक्सटेंड करी है, तो सबने FSI खरीद के बालकनी एक्सटेंड करी है। व्हाट इज द लॉजिक? बिकॉज आपको बालकनी की परमिशन दी गई है बाय द BMC, आपने वो बालकनी को एक्सटेंड करके कवरिंग कर दी है, तो एंटायर बिल्डिंग हैज डन दैट, सो यू हैव नॉट बॉट द FSI फॉर द बालकनी एरिया ना। आई थिंक एवरीबडी हैज डन द सेम थिंग, या ओके, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉ। सो ऑल दीज फ्लैट्स हैव एक्सटेंडेड द बालकनी, या सो बिल्डिंग प्रपोजल में बोला गया था कि ये बालकनी रहेगी, आप लोगों ने एक्सटेंड करी और इसका आपने कवरिंग करके रूम बना दिया, तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तो अफेक्ट होगा ही होगा। चांदी वाला बिल्डर्स ने तो बोला था ये बालकनी है, मगर आपने ये बालकनी का एक्सटेंड करके रूम बना दिया, सब ने मतलब तो एंटायर सोसाइटी। सो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, या जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड FSI लॉ इन दिस कंट्री, या ओके बाय, हैव फन। और यहाँ पे समझना लॉ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप 12 साल से एक टेरेस को ओन करके बैठे हो और उस टेरेस का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मानसून में, विंटर्स में, मीटिंग्स करने में, रात के टाइम पे, बिकॉज आपको लाइट नहीं लगाने दिया गया था इतने सालों से, अब आप लाइट वहाँ पे लगाओगे ढंग से क्योंकि आपने कवरिंग करी है, क्योंकि रात के समय आप लाइट नहीं लगाओगे, ग्रिल नहीं है तो कोई गिर जाएगा, इतना हाइट है और आपने कोई छपरा वपरा लगाया नहीं है, तो अब जब मैंने ग्रिल लगाया मैं लाइट लगाऊंगी, क्योंकि रात के समय अगर मैं कोई गेस्ट को बुलाऊं तो उनकी सेफ्टी भी तो इम्पॉर्टेंट है, कॉशन लेके चले ना, बच्चों को छोड़ो, मैं नॉर्मल गेस्ट की बात कर रही हूँ, खुद की बात कर रही हूँ। जैसे कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आई हैड टू वेयर हील्स, अब इतनी आंधी तूफान में हील्स पहन के चल रही हूँ, हवा आ रही है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू वॉक ना, एंड अब ये ग्रिल से कम द विंड will be, you know, controlled. Otherwise, it's so stormy, man. तो जब आप लोग FSI खरीदे बिना फ्लैट्स की बालकनी एक्सटेंड कर लेते हैं बिकॉज बिल्डर ने तो आपको बालकनी दी है, तो आप OC के लिए मूवमेंट क्यों नहीं करते 18th फ्लोर की? आप इसलिए मूवमेंट नहीं करते बिकॉज आप चाहते हैं कि 18th फ्लोर को OC नहीं मिले, सो दैट दे कैन नॉट यूज द टेरेस प्रॉपरली एज द लीगल ओनर्स। This is wrong, na? This is a bad thought process. The intention is compromised. क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं तो OC के लिए क्यों नहीं मूवमेंट करी अभी तक 18th फ्लोर की? Just because so that we cannot buy the FSI and do permanent covering. इसलिए आपने 18th फ्लोर की OC ही नहीं करवाई या उसके लिए मूवमेंट नहीं करी। That's all I can think of. ठीक है? Okay, bye.